You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो का है ना इंट्रो मेरे से डिलीट हो गया हिजल के चक्कर में। तो एनीवेज आज हम याश्री के वेलकम की तैयारी कर रहे हैं। हमने लंच कर लिया था और उसके बाद हम तैयारी कर रहे थे और आप हिजल को देख ही रहे हो, इतनी ज़्यादा मस्ती करते ना, एक जगह वो बैठती नहीं है, यहाँ से वहाँ करती रहती थी। और उसको बलून से पता नहीं इस बार क्या प्रॉब्लम थी, जैसे मैंने लास्ट में 15 अगस्त का जब शूट किया था ना, तब से उसको है ना बलून से कुछ तो कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए वो बलून से यहाँ से वहाँ कर रही थी, घबरा रही थी, खेल रही थी, पर बहुत ही ज़्यादा बलून्स हो गए थे। सो अभी कुछ हाल ऐसा है, हमने सब बलून्स फुला दिए हैं और यहाँ वहाँ रखे हैं, सभी यहाँ वहाँ चले गए हैं। एंड सामने वो वाला लगाया है वेलकम, लेट्स सी, उसके ऊपर लाइट भी लगाई है, अभी चलाई नहीं है, तो देखते हैं क्या है। और फैन ऑन नहीं कर सकते इसलिए एसी स्टार्ट कर दिया है ताकि ईजिली हो जाए। अभी देखती हूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो ऑल राइट, तो फिगर आउट करते करते मुझे दिमाग में आने लगा कि धीरे धीरे मैं ये करती हूँ। उसके बाद वापस मैं है ना ब्लैंक होती जा रही थी, बिकॉज है ना हेज़ल अभी तक सो ही नहीं थी। उसके बाद मम्मी ने उसको है ना आफ्टरनून नैप के लिए सुला दिया एंड मैंने है ना धीरे धीरे एकदम दिमाग चलाने लगी। फिर मैंने धीर से आइडिया लिया कि क्या कर सकते क्या रहे, तो उन्होंने बोला ऐसे बेड पे कर दे, तो मैंने वो कर दिया। इसके बाद भी मुझे है ना एकदम सिंपल सिंपल सा लग रहा था, तो मैंने बोला 3-3 के बलून्स के है ना हैंगिंग बनाओ और फिर मैं है ना पूरा रूम हैंगिंग वाला कर देती हूँ। जैसा है ना मैंने बहुत पहले धीर के लिए वो हैंगिंग वाले फ़ोटोज़ वाला किया था, तो इस बार मैंने बोला बलून वाला करते हैं, इट विल बी यू नो समथिंग डिफरेंट। तो ये लोग तो बोल रहे थे मुझे कि नहीं कर, अरे बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने बोला नहीं, जो मैं कर रही हूँ तो मैं अच्छे से करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। सो एनीवेज बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट हुआ। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ लुकिंग लाइक। मिनिमल ही किया है, बहुत ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि हमको बलून वापस से फोड़ने पड़ेंगे, बच्चे के साथ चलता नहीं है। और अभी मैं फूलों का करूँगी, ये येलो वाले हैं एंड ये रेड वाले फ्लावर्स, तो उसका करते हैं। धीर ने लाजवाब आइडिया दिया कि हम है ना रोज़ पेटल्स है तो फ़ैन में लगा देते हैं और धीरे से फ़ैन ऑन करेंगे ना तो पूरी रोज़ पेटल्स उनके ऊपर गिरेगी और वो बहुत ही अच्छा लगेगा। वो लोग बस आने ही वाले हैं, तो मैं फटाफट से रेडी होती हूँ। मैं 5 मिनट में रेडी हुई हूँ और वो लोग आ गए हैं। प्लीज गो इजी ऑन message after message, forward my call. Next day you hear me back like nothing happened at all. What about all the things you used to say to me? What are you? Oh, Yashri, kaun hai jo itni ko? Kaun hai you? All of the times I've been there, times I came through, I'd meet you anywhere if it brought me closer to you. Distance is killing me, you make it so hard. Won't you let me love you, babe? Used to be optimistic, these days I just don't. Clap, 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 clap. Are you happy, my Yashu? Hope's losing its hold. Can afford to give up on you, and you know I wouldn't do that to you. You know I wouldn't treat you that way. No, I've been running, can't catch up. Oh love, what I won't do. Oh, you got me.
and waterfall. Oh, you got me chasing waterfall. टीशू थी साफ करी बैठ टीशू. हाय गाइस, दिस इज नेक्स्ट डे. कल हमने बहुत बहुत मस्ती की थी, इसलिए मम्मा ब्लॉग नहीं बना पाई. हाँ, फिर मासी की बर्थडे में गए थे हम. फिर डिनर के टाइम पे भी मैंने बहुत मस्ती की, तो हम ब्लॉग नहीं बना पाए. आज अभी मैं सो के उठी हूँ. और मम्मा जा रही है घूमी घूमी, शॉपिंग शॉपिंग जा रही है मम्मा. ओके, बाय बाय बोल दो. बाय बाय, घूमी घूमी जा रहे हम. बाय बाय से बाय. सो आज है नेक्स्ट डे और हम लोग जा रहे हैं सारी शॉपिंग के लिए. मैं और भाभी जाएंगे, ये बच्चे घर पे रहेंगे. मामू है, धीर है और नानी है, संभालेंगे इनको. देखते हैं कैसा जाता है इनका दिन. हम तो जाएंगे. हाँ, हम तो शॉपिंग पे जा रहे हैं. बाय बाय बोल दो. बाय 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 बोलो हेजल. बाय कैमरा में. बाय से बाय. अभी मूड में नहीं है, बाद में कलवाते हैं. है ना. बाय 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 हेजल. बाय 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 बाय. मम्मा इज गोइंग. बाय हेजल. हेजल बाय बाय. ऑल राइट, तो हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली बॉम्बे मार्केट. ये सूरत की बहुत फेमस मार्केट है, जहाँ पे अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है, ऑल रेंज, और लहंगा वहंगा सब कुछ मिल जाता है, यू नो, फॉर ऑल ओकेशंस. तो हम पहुंच गए एक शॉप में जो मुझे वहाँ पे अभी ट्राई करवा रहे हैं साड़ी. तो एक्चुअली है ना, मैं अभी एक दो साड़ीज ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कौन सी वाली अच्छी लगेगी कौन सी वाली नहीं. ये एक्चुअली मैं ले रही हूँ, हेजल की बर्थडे पार्टी आ रही है ऑफ कोर्स इसके लिए. और आपको कौन सी वाली साड़ी मेरी पहनी हुई अच्छी लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी. और मेरे साड़ी जो मैंने सिलेक्शन किया था उसके साथ भी कुछ
यू नो एक इंसिडेंट बन गया, सो दैट अभी है ना मेरा पूरा प्लान चेंज हो गया है और आप ये वाले वीडियो में जो भी सारिस देख रहे हो वो वाली कैंसिल हो चुकी है. उन लोगों ने ऐसे बांधा था कि जैसे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं 5 months प्रेग्नेंट हूँ, बट आई एम नॉट प्रेग्नेंट बिकॉज देखो ऐसे उन लोगों ने पतली लगाई थी, क्योंकि ऑफकोर्स बेल्ट पे लगाते हैं सिर्फ दिखाते हैं कि कैसी लग रही है सारिस. बट ये वाला कलर बहुत ही सुंदर लग रहा था क्योंकि डार्क कलर होता है और पार्टीज़ में डार्क कलर बहुत अच्छा लगता है. बट मेरी भाभी ने बोला कि नहीं डार्क कलर मत लो, अभी पेस्टल्स ज़्यादा चल रहे हैं, तो मैंने पेस्टल कलर चूज़ किया. तो उसके बाद मैंने है ना ये वाला लाइट पर्पल कलर वायलेट टाइप का वो चूज़ किया. इसका वर्क वगैरह बहुत अच्छा था. वो मैंने पहले पहनी थी वो ये हैंडवर्क वाली थी और ये कुछ अलग जिमी चू करके जो क्लोथ आया है अभी वो वाली साड़ीज थी. तो आप ये वाली साड़ी देखो कि ये वाली कैसी लग रही है फाइनली. एक्चुअली है ना मैंने फाइनल जो साड़ी की थी ना उसमें से ही एक थी, बट उसमें है ना क्या हो गया कि साड़ी मेरी कट हो गई और उन लोगों ने डिफरेंट तरीके से स्टिच कर दी थी, तो मुझे सब कुछ रिटर्न करके करना पड़ा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था. मैं सूरत से वापस पुणे जाने वाली थी और हमारी टिकट्स ऑलरेडी हो चुकी थी, तो मैं रुक भी नहीं सकती थी और कुछ और भी नहीं कर सकती थी. तो फाइन बाद में मैंने है ना दूसरा ही कुछ ऑप्शंस ढूंढना पड़ा. तो फाइन आपको ये वाली साड़ी अच्छी लगी या वो वाली अच्छी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे नेक्स्ट टाइम पता चले कि हाँ ऐसा भी कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि ऑफकोर्स सबके टेस्ट प्रेफरेंसेस अलग होते हैं. तो एनीवेज मुझे है ना ये वाली साड़ीज भी बहुत अच्छी लग रही थी. ऑफकोर्स वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होती है तो मैंने सब लाइट भी ऑफ करवा के देखी थी, बिकॉज लाइट में तो हमको सब कुछ अच्छा ही लगता है. घर आ जाता है ना उसके बाद हमको साड़ीज पसंद नहीं आती है. आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मेरे साथ काफ़ी टाइम होता है कि वहाँ पे तो बहुत प्यारी लग रही थी, घर आके अभी ओके ओके लग रही है. तो आप है ना ऐसा भी कर सकते हो कि शोरूम का लाइट बंद करवा दो और फिर चेक करो, बिकॉज आपके साथ धोखा हो सकता है. उनकी लाइट्स में सब कुछ ही अच्छा लगता है, घर आके हमारी नॉर्मल लाइट होती है जो उसमें अच्छा नहीं लगता है. एनीवेज हम लोगों ने साड़ी ले ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा रश हो गया था. जस्ट हमने साड़ीज ले ली है और कल वापस मुझे वो फॉल स्टिच करने दिया है तो वो लेने आना पड़ेगा. हमने कुछ खाया बहुत अच्छे से, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा मिलता है. दिस इज़ बॉम्बे मार्केट, यहाँ का सबसे फेमस मार्केट है. यहाँ पे अच्छी साड़ियाँ मिल जाती हैं और रिजनेबल, आपको जो रेंज में चाहिए वो रेंज में मिलती है. रिजनेबल की तो नहीं बात करूँगी. सो यस, अभी जाता है जल्दी से घर पे. याश्वी और हेज़ल उठ गए होंगे, सो लेट्स सी. नानी हेजल की 2 घंटे से चोटी बना रही है, पर हेजल बनाने नहीं दे रही है. एक चोटी बनी है, एक चोटी नहीं बनी है. और नानी बोल रही थी ऐसे बनाऊंगी वैसे बनाऊंगी, कुछ नहीं हो पा रहा नानी से अभी. कैसे बनाएंगे? फाइनली कैमरा शुरू होते ही बन गई चोटी. हेजल तने खबर छे कैमरा ऑन है? वाओ कैमरा ऑन है. देखो आजकल ना ऐसे करने लगी आंख बंद. हेजल की चोटी बन गई है पर नानी की खुद की चोटी नहीं बनी है. All right, guys. In the valley, hope's losing its hold. You know the mother girls will love you like it's due. Can't afford to give up on you. And you know, I wouldn't do that.